वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी HDD और SSD लैपटॉप के बारे में। HDD क्या है, SSD क्या है, किसको HDD लैपटॉप लेना चाहिए, किसको SSD लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा एक्सपेंसिव है, कौन सा चिप है, इसके फायदे क्या है, ये कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जिनको भी क्रिसमस के दिन नया लैपटॉप लेना है और समझना है कि उनके लिए HDD या SSD कौन सा लैपटॉप बेटर है, ये समझना है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी। सबने HDD और SSD के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंसेस? सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ HDD के साथ। HDD का जो फुल फॉर्म है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, या इसका मतलब है कि आपको ये जो भी डिटेल्स आपके डेटा में, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी डिटेल्स स्टोर हो रही है, ये एक्चुअली हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो रही है। बेसिकली HDD एंड SSD और कुछ नहीं, आपके डेटा को स्टोर करता है। तो ये डिस्क ड्राइव मतलब ये आपके डेटा को स्टोर तो करता है, लेकिन इसके जो पार्ट्स होते हैं वो मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो जिसका मतलब है आपके जो भी डेटा आपका जो स्टोर होता है, उस समय पे आपको आवाज़ आता है कर करके, ये HDD का फंक्शन है। और इसको, इसका जो ड्राइव होता है ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है, और ये साथ ही में ये चीप प्राइस में मिल जाता है। तो बहुत पहले के जो लैपटॉप, आज से 5 से 10 साल पहले के जो लैपटॉप थे वो HDD की डिमांड थी। HDD जो है आपके डेटा को स्टोर करता था, मूविंग वे से स्टोर करता था और नॉइस क्रिएट करता था, लेकिन ये कम प्राइस में मिलता था, या इसके पहले की जो PC थे उससे भी बेटर परफॉर्मेंस थी। लेकिन जब से SSD आ गया है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो HDD की डिमांड कम हो गई है। क्यों कम हो गई है अभी हम समझते हैं। SSD बेसिकली एक छोटी सी चिप होती है जो साइज में छोटा है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, ये मूविंग पार्ट्स में अवेलेबल नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके स्टोर करता है इसमें नॉइज भी नहीं होता, और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। सो फिर एक्सपेंसिव कौन सा है, HDD एंड SSD में से कौन सा एक्सपेंसिव है? डेफिनेटली जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और विदाउट क्रिएटिंग अ नॉइज, वही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। दैट मीन्स SSD ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये छोटा है लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, इसके पार्ट्स भी सेपरेट नहीं होते, ये मूविंग पार्ट्स में अवेलेबल नहीं है, और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो SSD ज्यादा एक्सपेंसिव है और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको HDD लैपटॉप लेना चाहिए और किसको SSD लैपटॉप लेना चाहिए। तो बेसिकली HDD लैपटॉप भी अपडेटेड रहता है, आपकी इंफॉर्मेशन आप आपके ड्राइव से स्टोर कर सकते हो, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जिनको सिर्फ ईमेल ओपन करना है और डेटा स्टोर करना है, और डेफिनेट ज्यादा डेटा स्टोर नहीं करना है, तो वो HDD लैपटॉप में जा सकते हैं, और साथ में अगर लगता है तो SSD ड्राइव खरीद सकते हैं। आप डायरेक्ट SSD वाला लैपटॉप जाते हो तो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। जो गेमर हो, वीडियो एडिटर हो, मेरी तरह यूट्यूबर हो, वीडियो ग्राफिक्स में काम करते हो, तो फिर आपको SSD ही लैपटॉप चाहिए, बिकॉज ये आपको विदाउट नॉइज, विदाउट एनी मूविंग पार्ट्स, ये आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, और जो भी आपका डेटा है कम टाइम में फास्टर प्रोसेसिंग में ये स्टोर करता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया HDD एंड SSD और है इसका बेनिफिट क्या है, आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो अगर आज क्रिसमस के दिन आप शॉपिंग करना चाहते हो HDD और SSD लैपटॉप के लिए, या ड्राइव खरीदना चाहते हो, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी के अभी जाके आप खरीद सकते हो, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर बींग विथ हनी एंड टेक। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग।